भैया नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन, और आप देख रहे हैं जग्गी भाई का यूट्यूब चैनल। और ये चैनल हमारे सचिव भाई का बनाया हुआ है, और मध्य प्रदेश की पंचायत राज व्यवस्था, सचिवों के संबंध में जारी होने वाले दिशा निर्देश, रोज की खबरें, जेलों की खबरें, और पंचायत राज व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, पंचायत राज व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हम वांछित हैं, इन सबको लेकर के हमारा ये चैनल हमारे साथी ने बनाया है। इसमें आप YouTube में जाकर के इसको सब्सक्राइब करें तो आपको पूरी चीज़ दिखाई देगी। उस चैनल को नियमित रूप से देखें, इसमें आपको रोज की खबरें जग्गी भाई के माध्यम से मिलेगी। मुझे लगता है कि ये चैनल पंचायत सचिवों के लिए जागृति का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा, और आप सभी इसका उपयोग करते हैं और सभी के व्हाट्सएप में यूट्यूब खोल करके इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको पूरा संगठन का परिदृश्य दिखाई देगा, मध्य प्रदेश का, जिले का और भोपाल का, और भोपाल में सचिव संगठन आपके लिए क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, वो भी आप बोल सकते हैं, वो बता सकते हैं न्यूज़ के माध्यम से। और जग्गी भाई वैसे बहुत सक्रिय है पहले से, और उनका चैनल सचिव में लोकप्रिय हो गया है, लेकिन मुझे आखिरी में मालूम पड़ा है, लेकिन अब आप भी सक्रिय हो जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सचिव संगठन को जिंदाबाद करिए। धन्यवाद। सभी मध्य प्रदेश के 23,000 पंचायत सचिवों को आपके भाई दिनेश शर्मा का सादर नमस्कार। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि 10 अगस्त को भोपाल में शाहजानी पार्क में हमने 13 सूत्री मांगों को लेकर के एक दिवसीय रैली, धरना, प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। आप सबको सूचना पहुंचा दी गई है। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं प्रदेश संगठन की ओर से कि 10 अगस्त को पूरी ताकत के साथ पूरे मध्य प्रदेश के समस्त सचिवों को एक बार भोपाल में आकर के विधानसभा चुनाव से पहले अपने ताकत दिखाना है, और 13 सूत्री मांगों में से मुख्य मांग सातवां वेतनमान, धारा 92 के काला कानून का संशोधन, 100% पदों पर पदोन्नति, सेवा काल की गणना नियुक्ति वर्ष से करना, और फर्जी लोगों के फर्जी आदेश लेने के कारण जो 5,000 रुपये का नुकसान मेरे 10 साल से कम सचिवों का हुआ है उसको संशोधित कराने सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने पूरा मध्य प्रदेश सचिव संगठन के आह्वान पर एक दिवसीय कार्यक्रम रखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों, सहयोग के बिना कोई काम संभव नहीं है, और आप यदि मेरे ईमानदारी के साथ सहयोग करोगे, मैंने सरकार से आग्रह किया है, निवेदन किया है कि विधानसभा चुनाव से पहले मेरे प्रदेश के सचिवों को सातवें वेतनमान की सौगात दी जाए, क्योंकि सचिवों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। सारे प्रदेश के कर्मचारियों को, IAS, IPS, पटवारी और अध्यापक संवर्ग को आप लोगों ने सातवां वेतनमान दे दिया है और पंचायत सचिवों को वंचित कर दिया है। मैं सरकार से प्यार और मोहब्बत से निवेदन करना चाहता हूं कि सचिवों को प्यार और मोहब्बत से चुनाव से पहले सातवां वेतनमान दे दीजिए, 13 सूत्री मांगों का निराकरण कर दीजिए, और सरकार ने सही समय पर निर्णय नहीं किया तो मैं नए आंदोलन का आगाज 10 तारीख को करूँगा। आगे हम लोग सब मिलकर संघर्ष करेंगे। साथियों, 3 महीने का काम जो 3 साल में होता है वो हमको करना है। आप सभी से निवेदन करूँगा, प्रचार करें, विज्ञप्ति लगाएं, व्हाट्सएप पे लिखें, अपनी सोच को सही और दुरुस्त रखें, और सचिव संगठन में तन, मन और धन से सहयोग करने का मन बनाएं। और मैं बधाई दूंगा आप सब लोगों को कि नए वेतनमान का प्रथम वेतनमान आपको मिल गया है। आप सभी लोग संगठन में सहयोग करेंगे, सचिव संगठन के ब्लॉक और जिला अध्यक्ष को सहयोग करेंगे। ब्लॉक और जिला अध्यक्ष और संभाग अध्यक्ष से निवेदन है कि कल ही आप आज ही विज्ञप्ति जारी करें, प्रचार प्रसार करें, और भोपाल के शाहजानी पार्क में एक दिन पूरा मन बना के आए कि एक दिन सचिव संगठन के नाम, ये मन बनाकर आप आओगे तो मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से पवित्र मन से किया गया कार्य आपको परिणाम की ओर ले जाएगा। दिनेश शर्मा आपके साथ है, सचिव संगठन आपके साथ है। मैं जोरदार आवाज में संगठन को जिंदाबाद करें, जय पंचायत सचिव संगठन जिंदाबाद। आप 10 अगस्त को भोपाल शाहजानी पार्क भोपाल में अवश्य पधारें। आपका भाई दिनेश शर्मा, धन्यवाद। जय पंचायत सचिव संगठन।